ताज्या बातम्यांसाठी आणि नवनवीन अपडेट्ससाठी द व्हॉइसला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. विदर्भ विकलांग संघर्ष समितीकडून संविधान चौकामध्ये आंदोलन करण्यात आले, तसेच अतिक्रमण अधिकारी अशोक पाटील यांचा यावेळी निषेध व्यक्त करण्यात आला. यावेळी अतिक्रमण अधिकारी अशोक पाटील यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याची अंतिम यात्राही काढण्यात आली. विदर्भ विकलांग संघर्ष समितीकडून विविध मागण्या मांडण्यात आल्या. आज नागपूर संविधान चौक या ठिकाणी आपण बघू शकता दिव्यांग व्यक्ती या ठिकाणी धरणे आंदोलन करिता बसलेले आहे. अशोक पाटील महानगरपालिकेचे अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी यांनी अभद्र व्यवहार केला, अभद्र भाषा देखील करण्यात आलेली आहे. असे त्यांच्या विरोधात देखील या ठिकाणी घोषणाबाजी देखील करण्यात आहे. सगळ्यात प्रथम म्हणजे मागणी आहे की दिव्यांगांचे जे स्टॉल फुटपाथवरती असतात त्यांच्यावरती अतिक्रमण थांबवावे. हे सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी मागणी आपल्याला बघायला मिळते. आपण बघू शकता इथे दृश्य या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात दिव्यांगण लोक एकत्रित आलेले आहेत. ये जो प्रतीकात्मक जो शवयात्रा जो निकाली जा रही है ये कॉर्पोरेशन के अतिक्रमण अधिकारी अशोक पाटिल की है. इसका कारण भी है कि अशोक पाटिल जी ने हमारे दिव्यांग को अभद्र तरीके से गाली दी है. उसकी रिकॉर्डिंग है, मैं ये माइक के सामने वो बातें नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अभद्र तरीके से गाली गलौज की है. और अगर मीडिया अगर चाहती है कि वो गाली की वीडियो ऑडियो अगर ये माइक के सामने अगर सुनाने की अगर अनुमति होगी तो मैं वो सुना सकता हूँ. लाइव वीडियो हाँ. और हमारी जो काफ़ी दिन से जो मांगे चल रही थी, पिछले 12 साल से हम ये एक ही विषय पे लड़ रहे हैं कि दिव्यांगों को 8x6x8 का व्यवसाय स्टॉल मोची शेड की तरह, जो मोची शेड शहर में जो दिए गए हैं उसकी तरह दिया जाए. तो यह हमारी जो कॉमन मांग है, कॉर्पोरेशन ने 12 साल से हमारी मांगों के ऊपर नज़रअंदाज किया, इसलिए आज शहर में लगभग 150 से 200 जो स्टॉल दिव्यांगों ने अपने स्वयं खर्चे से लगाए, कॉर्पोरेशन के ऊपर में कोई भी इसका बोझ आने नहीं दिया. तो ये जो हमने जो स्टॉल लगाए, आज कॉर्पोरेशन इसके ऊपर में सूड़ भावना से काम कर रही है और अतिक्रमण कॉर्पोरेशन का हटा रही है.